एनी इशू विथ वॉइस? आशा करते हैं कि आज से ज्यादा वॉइस में कोई इशू नहीं होगा कभी भी। आज वाईफाई लगाए इसलिए तो आशा करते हैं कि नेटवर्क इशू ना होना चाहिए। अब ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, इसी में आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझाया था कि कैसे निकालते हैं। कंसेंट्रिक स्फीयर होगा तब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ओके, तो अभी हम बात करें कंडक्टिंग स्फीयर का सिर्फ। ओके, आपको पढ़ने बता दिए, जब हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो उसमें तीन चीज होगा, तो सेम बात होगा। ओके, ओके, तो देखो आपके पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर ए है और एक दूसरा स्फीयर है जिसको हम रेड कलर से लिखते हैं। आपके पास दो स्फीयर है, स्फीयर वन एंड स्फीयर टू। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका मान देते हैं क्यू टू, और जो छोटा वाला स्फीयर है उसका मान देते हैं हम लोग क्या, क्यू वन। ये हुआ आपका सेंटर। ठीक है, तब इसका जो रेडियस है वो मानते हैं आर वन, और जो बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका हम रेडियस मानते हैं कितना, आर टू। आपके पास दो स्फीयर है, अब रहा पॉइंट मानने की बात। ओके, तो हम कहीं पे भी एक पॉइंट मानते हैं, तो देखिए यहां पर हम चार पॉइंट मान सकते हैं। एक पॉइंट हुआ ए, एक पॉइंट हुआ बी, और एक पॉइंट हुआ सी, एक पॉइंट हुआ डी और एक पॉइंट हुआ ई। सही पता भेज देना क्या? अरे स्कैन कर लो, स्कैन कर लो, स्कैन नहीं उठा उसमें ना। ठीक है, भेज देते हैं, जब लिख लो ना, फोटो भेज लो। ठीक है, ये होगा क्यू वन और क्यू टू। आपके पास कितना पॉइंट हुआ, ए बी सी डी ई करके आपके पास पांच पॉइंट है। अच्छा, पांच पॉइंट है, मुझे उसका याद आ गया, नायक मूवी का, एक दो तीन चार पांच करके मेरे पास हजारों पॉइंट है, उसको कैसे समझा है। लेकिन हमारे पास पांच पॉइंट है जिसको हम समझा सकते हैं। तो पॉइंट ए क्या है, तो हम पहले बात करते हैं एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए आपका क्या है, एक्स जो है वो आपका क्या है, आर वन से छोटा है। अच्छा, आर वन से छोटा होगा तो आर टू से छोटा होगा, क्योंकि आर टू तो भाई आर वन के अंदर ना है। तो पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो एक्स जो आर वन से छोटा है। अब हम लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो देखिए दो स्फीयर ए है। ओके, तो दिस दो स्फीयर क्यू वन है, इस पर चार्ज क्यू वन है, तो क्या आपका चार्ज बाहर पॉइंट अंदर, चार्ज बाहर पॉइंट अंदर, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू वन बाय आर वन। ओके, क्योंकि जब चार्ज बाहर रहता है और पॉइंट अंदर रहता है तो हम रेडियस, तो हम डिस्टेंस लेते हैं चार्ज का। अच्छा, Q2 है, तो Q2 भी आपका बाहर है, पॉइंट आपका अंदर है, तो हम रेडियस किसका लेंगे, सॉरी डिस्टेंस लेंगे हम चार्ज का, तो K Q1 by R1 और K Q2 by R2। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अब हम पॉइंट B की बात करते हैं, तो पॉइंट B आपका कहाँ पे है, तो आपका पॉइंट बी कहां पे, x इज इक्वल टू आर, ये है आपका पॉइंट। ओके, x इज इक्वल टू आर, तो आपका क्या है, जब x इज इक्वल टू आर की जब कहानी मैंने कह दी है इसमें, तो इसमें स्टोरी क्या होगी आपका, इसमें आपका हो गया कि मतलब अब q1 और q2 दोनों का हम सोचेंगे, मतलब पोटेंशियल तो निकालते हैं हम सारे चार्ज का निकालते हैं। ओके, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा पॉइंट बी का वो कितना होगा, हमारा Q1 के कारण कितना होगा, K Q1 by R1, क्योंकि हमारा डिस्टेंस वहीं पे, पॉइंट भी वहीं पे, प्लस K Q2 by R2। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट B का। ठीक है, पॉइंट B की कहानी हमने कह दी है। अब पॉइंट C की बात करते हैं, पॉइंट C का।
तो एट अ पॉइंट सी, ओके तो पॉइंट सी आपका कहां पे है, एक दो है क्या आपका आर वन से ज्यादा है और आर टू से क्या है छोटा है, आर वन से ज्यादा है आर टू से छोटा है, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट सी कितना होगा आपका। तो देखो अब की वन के बारे में बात करते हैं, तो की वन में क्या है डिस्टेंस तो है बड़ा है और चार दो होता है डिस्टेंस के अंदर है, की वन की बात कर रहे हैं तो दो होता है चार है तो दो डिस्टेंस के अंदर है, तो इसका बात कितना लिखेंगे की वन बाय एक्स और क्यू टू के कारण होगा वो हमारा कितना होगा के क्यू टू बाई आर टू, ओके अच्छा बहुत अच्छा। अटप पॉइंट डी की बात करते हैं, तो अटप पॉइंट डी, तो पॉइंट डी की जब हम बात किए तो आपका एक्स कहां पे, एक्स तो आर टू पे होगा, जब एक्स आर टू पे है तो आपका पोटेंशियल की वन और क्यू टू के कारण, तो देखो पहले हम की वन के कारण बात करते हैं, तो की तो क्या है चार्ज आपका अंदर डिस्टेंस आपका बाहर, तो हम बाहर का डिस्टेंस लेंगे तो हमारा कितना होगा के की वन बाई आर टू, अब क्यू टू तो वहीं पे है ही है मतलब आर टू पे ही है हमको आर टू पे चाहिए, तो के क्यू टू बाई आर टू, ओके। और पॉइंट ई की बात करते हैं, तो पॉइंट ई क्या है आपका आर टू से ज्यादा है, ओके तो एट अ पॉइंट ई, तो पॉइंट ई की हम जैसे ही बात किए तो पॉइंट ई देखिए आपको तो पता है ना पॉइंट ई कहाँ पे है, हम कहाँ पे माने हैं, तो पॉइंट ई जो है आपका आर टू से ज्यादा है, तो पॉइंट ई आपका आर टू से ज्यादा होगा मतलब क्या नहीं सकते हम, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, कि एक्स इज मोर देन आर टू, एक्स इज मोर देन आर टू, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ई कितना होने वाला आपका, की वन डिवाइड बाय एक्स प्लस के क्यू टू डिवाइडेड बाय एक्स। तो बताइए इतना जो सीखे हैं तो इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, एनीवन हैज अ डाउट, एनीवन हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने की परमिशन है, कमेंट फास्ट, एनीवन हैज अ प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, कोई इशू नहीं है तो कोई इशू नहीं, तो आगे बढ़ते हैं इसको अर्थिंग पे जाते हैं, अर्थिंग पे, अर्थिंग का मतलब क्या हुआ, किसी को धरती से दौड़ दो दैट इज अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब क्या होता है अर्थ से कनेक्ट कर दो तो ये हो गया हमारा अर्थिंग, ओके तो अर्थिंग करने का मतलब क्या हुआ आपका पोटेंशियल जीरो, क्योंकि किसी भी चीज को आप अर्थ से कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपका पोटेंशियल जीरो होगा, ये बात आप समझते हैं ना जी। तो देखिए तो इसमें हम दो केसेस करते हैं, पहले सिंपल सा बात है चार दे दो बाहर वाला को अंदर वाला को अर्थ कर दो, अंदर वाला को चार दे दो बाहर वाला को अर्थ कर दो, यही ना कर सकते हैं, अब कर सकते हैं ना जी। तो देखिए हमने क्या बात की आपको कि अर्थेट इनसाइड, ओके एंड चार्ज गिवन आउटसाइड, ये हुआ हमारा केस वन, केस टू में क्या है हमारा अर्थेड आउटसाइड, चार्ज गिवन इनसाइड,
तो देखो चार्ज गिवेन आउटसाइड, तो देखो बनाओ अपना एगोस्फीयर हो गया और दूसरा को दूसरा रंग से बनाओ। जैसे कि हम बहुत लोग जो होता है ना कि अच्छा स्टूडेंट होता है दो दो कलर तीन तीन कलर यूज करता है, तो हमारे पास दो तीन कलर है यूज करने के लिए, है ना। ऐसे हम अपने जीवन में कभी किए नहीं ऐसा। तो अंदर आपको अर्थ करना है, ओके अंदर आप इसको अर्थिंग कर दिए और बाहर इसको चार दे दिए क्यू, ओके। तो कहता है क्वेश्चन, अगर बाहर हम चार दे देंगे क्यू और अंदर हम कर देंगे अर्थिंग, तो पूछेगा कि इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर स्फीयर कितना होगा। तो इस पे आपका इंड्यूस चार्ज कितना होगा कोई बता सकता है हमको? तो इसका इंड्यूस चार्ज कितना होगा, एनीवन? तब देखो अगर आप इसका इंड्यूस चार्ज प्राप्त करना होगा तो पोटेंशियल, तो ये हुआ छोटा स्फीयर हुआ, तो पोटेंशियल एट अ स्मॉल स्फीयर को आपको जीरो करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? हाँ आजा आजा शेयरिंग स्क्रीन से क्या दब गया? हाँ, तो हम यहाँ पे क्या बात करें, पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल स्फीयर विल बी जीरो, तो स्मॉल स्फीयर का पोटेंशियल को जीरो करो तो कितना होगा, तो पोटेंशियल ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना होने वाला है? तो देखो इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्या मानू, क्यू डैश। तो देखो तो क्यू डैश चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका रेडियस को मानो आर वन अंदर बना को और बाहर बना को मानो आर टू, तो कितना होगा आपका के क्यू डैश, के क्यू डैश हो गया आर बाय आर वन प्लस के क्यू बाई आर टू इज इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल अंदर बना पे कितना हुआ, इतना हुआ। और इसको हमको किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर करना है क्योंकि उसको हम अर्थिंग दे दिए हैं। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे, क्यू डैश बाय आर वन इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय आर टू। तो यहां से आपका जो है क्यू डैश का मान कितना आएगा, माइनस क्यू आर वन बाई आर टू। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो आपने यहां तक की कहानी कर दी, अब आगे बढ़ेगा। अब ये डाटा किसको समझ में नहीं आया, तो हम पढ़ते थे अपने समय में, तो हम पढ़ते थे बारह, हम तो कोई कहा कि बारह जी का किताब बहुत अच्छा है तो मैंने उसका किताब बनाया समझा, फिर कहा कि एक शांत का किताब अच्छा, फिर कहा इंजन का किताब अच्छा, तो हमने सब किताब को देखा। तो अंतिम निचोड़ यही आता है, यह हुआ क्या कहते हैं फूड एंड फायर कंसेप्ट, ओके। कोई किताब पढ़ो ये हुआ कंसेप्ट, और कंसेप्ट पता है तो सब किताब में सेम चीज ना लिखा रहेगा, ये हमको समझ में नहीं आता अपने समय में, इसलिए पूछ लेते हैं कि किसी को दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब दूसरा का केस में बढ़ते हैं, दूसरा का केस में क्या, आपके पास दो स्फीयर है, एक बाहर होगा और एक अंदर होगा। तो इसमें क्या करना है, अर्थेड आउटसाइड, तो बाहर बना को क्या कर दो, अर्थिंग कर दो, और अंदर बना को क्या कर दो, चार्ज कर दो। तो अंदर बना को चार्ज कर दिए और बाहर बना को हम अर्थिंग कर दिए, ओके ओके सही है। तो अभी इसमें हम, तो अब आपको क्या करना है, तो अंदर का जो रेडियस होगा उसको आर वन मानिएगा और जो बाहर का रेडियस है उसको आपको आर टू मानिएगा। तो पोटेंशियल जो होगा आउटसाइड वो कितना होने वाला है आपका, जीरो होगा क्योंकि आप इसको अर्थिंग कर दिए। तो इस पे चार्ज मानिए क्यू डैश, इस पे चार्ज मानना माने कितना हमको क्यू डैश चार्ज मानना है, ठीक है। हम कितना लिखेंगे के क्यू, अब देखो अब पोटेंशियल बाहर पे निकाल रहे हैं, चार अंदर डिस्टेंस बाहर, तो क्या लिखेंगे के क्यू बाई आर टू प्लस, ओके के क्यू आर टू। अब बाहर में चार्ज कितना हुआ के क्यू डैश, तो के क्यू डैश बाई आर टू।
तो यहाँ इसका मान आपको जीरो कर दिए। अब गया तो आपका मान कितना हो गया यहाँ से, क्यू डैश का मान कितना होगा कोई बता सकता है? माइनस क्यू, दोनों में कुछ अंतर है ना भाई, दोनों में कुछ अंतर है, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एनी डाउट? आगे बढ़े हैं, परमिशन है? देखिए आपके पास दो स्फीयर है, तो देखो ये दोनों को आप इसको अर्थ दोनों को कनेक्ट कर दिए, हमने क्या कर दिया दोनों स्फीयर को कनेक्ट कर दिया, तो एक का जो रेडियस है हमारा आर वन और दूसरे का रेडियस कितना है हमारा आर टू, और हम अंदर वाले को चार्ज कर दिए क्यू। ओके तो बताइए बाहर में कितना चार्ज होगा, अगर इसको चार्ज क्यू करेंगे तो बाहर में कितना चार्ज होगा अर्थिंग करने का, मतलब इसको मतलब कुछ इस टाइप का, ये आपका एक आर वन आर टू, अंदर में दे दिए चार्ज क्यू और बाद में इसको क्या कर दिए अर्थ कर दिए, तो बाद में अगर हम इसको फिर अर्थिंग कर देंगे तो अर्थिंग नहीं कर दिए दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो दोनों स्फीयर को हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, स्फीयर को कनेक्ट करने से सारा का सारा चार्ज कहाँ चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। ओके क्योंकि जो भी चार्ज होता है वो क्या चाहता है, हम मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल ने ये सात चार्ज क्या होगा यहाँ पे चार्ज मूव टू आउटर स्फीयर, और जो इस दोनों का क्या होगा पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बोथ स्फीयर बिकम इक्वल। ओके ये आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अंदर भी अंदर चार्ज क्यू मतलब दो को स्फीयर है आर वन आर टू दोनों का रेडियस है और दोनों को कनेक्ट करने पे उसका सारा का सारा चार्ज बाहर चल जाएगा, सिंपल सा ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये जवाब देंगे। तो स्फीयर का कोई कहानी पर दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत ना हो रहा, आगे बढ़ते हैं। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, क्या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ तो चर्चा करें। चर्चा कर लेते हैं, देखो हम क्या बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तब क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो अब इसमें भी तीन केसेस बनेगा, देखो ये हुआ आपका, अब देखो इसमें जो है आपने किया इसमें मास है अंदर मास है, अंदर भी चार्ज होगा बाहर भी चार्ज होगा। ओके चार्ज सब जगह, अब देखो अब यहाँ पे तीन पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर सेंटर हुआ, आपके पास तीन पॉइंट है ए बी सी, ए बी सी तीन पॉइंट है। ओके तो हम बाहर से शुरू करेंगे, इसमें अंदर से शुरू नहीं करेंगे बाहर से शुरू करेंगे, पूछिए कहा है क्योंकि अंदर में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन। तो एट अ पॉइंट सी, एट अ पॉइंट सी मतलब पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ एक्स जो होगा वो आर से बड़ा होगा। ओके जब एक्स आर से बड़ा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा पोटेंशियल कितना होगा एट अ पॉइंट सी के क्यू बाई, अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका एक्स, तो के क्यू बाई एक्स सिंपल सा बात है। उसी प्रकार से एट अ पॉइंट बी, एट अ पॉइंट
टॉप पॉइंट बी की बात करते हैं, टॉप पॉइंट बी पे हमारा कितना होने वाला है, टॉप पॉइंट बी मतलब एक्स इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा पॉइंट बी पे वो कितना होगा हमारा के क्यू बाय आर, बहुत ईजी है। लेकिन अब हम बात करते हैं पॉइंट ए पे, हम कहाँ बात करते हैं पॉइंट ए पे, तो एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए मतलब क्या हुआ, एक्स दो है आपका आर से कम है, तो इसका मान कितना होगा, किसी को ही पता है क्या, किसी को भी याद है, किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मान होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू, के क्यू डिवाइड बाई आर क्यू इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए होता है फॉर्मूला। जब एक्स आर से कम होगा तब आपका जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट ए वो कितना होगा, के क्यू बाई आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिवाइड बाई टू, अब ताके सही हुआ, हाँ कुछ गड़बड़ हमको लगा था, अब सही हुआ, ए हुआ आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए, ठीक है। अब देखिए ये सही है कि नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक। देखिए पुट कीजिए x = r, तब x = r पुट करेंगे तो कितना होगा, इसका मान कितना आ जाएगा 3r² - r² आपका मान होगा 2r² और 2r² का मतलब 2kq r² डिवाइड बाय 2r³, तो आपका मान कितना होगा kq / r, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा x = 0 पुट करते हैं, x = 0 पुट करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, x = 0 पुट करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, मतलब x का मान 0 पुट करेंगे तो आपका मान होगा k q 3r² डिवाइड बाय 2 r³, तो आपका मान कितना होगा यहां पे 1.5 kq r। तो बताइए पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां पे होगा, सेंटर पे की रेडियस आर पे, ओके। जैसे कि हम बात करते थे कि जब हमारा था कंडक्टिंग स्फीयर, तो कंडक्टिंग स्फीयर पे कितना था, सेंटर पे पोटेंशियल कितना के क्यू बाय आर, सेंटर पोटेंशियल के क्यू बाय आर, और पेरिफेरी पे भी रेडियस आर पे भी कितना था के क्यू बाय आर। लेकिन जब आपके पास हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग सॉरी स्फीयर, तब आपका सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा होता है कंपेयर टू पेरिफेरी पे, ओके। और यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछा जाता है इन द केस ऑफ नीट, इन द केस ऑफ बोर्ड और एट एनी, मतलब कोई भी एग्जाम में पूछा जाता ही है। तो यहां से क्या हुआ कि पोटेंशियल एट ए सेंटर इज 1.5 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट रेडियस आर, ओके, ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये हुआ आपका मान, और किसी को कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कितना मिनट है, 9 मिनट है ना, एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा, अभी 9 मिनट है। देखिए अब थोड़ा रॉड पे आते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ रॉड, अब नेक्स्ट चैप्टर लिखिए पोटेंशियल ऑफ रॉड, तो रॉड का पोटेंशियल कितना होने वाला है, देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये हुआ हमारा रॉड, ओके, और इसका जो चार्ज है हमारा क्यू है, और ये जो है हमारा डिस्टेंस एट कुछ भी एट ए पॉइंट पी, ये दूरी है वो हुआ आर हुआ हमारा, और इसका नेट कितना है हमारा, कैपिटल एन है,
तो बताओ हमारा कितना होगा इसका पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी हमारा कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम छोटे एक दूरी पे क्या काटेंगे dx, एक दूरी पे काटा मैंने dx और dx से आएगा हमारा क्या dq, और dq का मान कितना होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू dx। किसी को कोई दिक्कत है, कहा दिक्कत हो किसी को पढ़ने ना, बस सबको दिक्कत नहीं होने वाला। तो k dq डिवाइड बाय x, अब dq का मान पुट करो जरा, dq का मान कितना होगा हमारा k q बाय n इनटू dx और नीचे में x। ओके और इसको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है। ओके तो इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, r से लेकर के r प्लस n तक इंटीग्रेट करना, क्योंकि आपका चार्ज कहां से कहां तक फैला हुआ है, r से लेकर के r प्लस n तक फैला हुआ है आपका चार्ज, हम वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे इसका मान। तो हमारा जो इसका मान आएगा वो इस कितना आएगा, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, 1 बाय s का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, ये किसको पता है, ये सबको पता है कि नहीं पता है दी, कर दें इसको ऐसे। तो हमारा मान कितना होगा, एक बार s का मान पुट करना r प्लस n और एक बार दो टेस्ट का मान पुट करना है r, तो आपका मान कितना हो गया k q by n log r plus n minus log r। अब आपको पता होगा log a minus log b का मान कितना होता है, log a by b, अब बताओ कोई इसको, अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ऑफ रॉड। अब और क्या है, किसी को दिक्कत होगा इसमें, एनीवन? अच्छा पोटेंशियल ऑफ रिंग की बात करते हैं, तो पोटेंशियल ऑफ रिंग, तो अब इसमें दो कहानी होगी, एक सेंटर पे और एक एक्सिस पे, दो चीजें होगी। तो सेंटर पे जो होगा रिंग का पोटेंशियल कितना होने वाला है, तो ये हुआ रिंग और ये हुआ सेंटर, बाहर में हुआ चार्ज और इसका रेडियस होगा r, तो इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, kq / r, सिंपल सा बात है, और कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। एक्सिस की बात करते हैं, तब देखो ये हुआ आपका जो रिंग हुआ और यहाँ पे एक पॉइंट P हुआ, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा एट अ पॉइंट P, ओके एक्सिस पे। तो यह दूरी अगर हम इसको R मानते हैं और इसको X मानते हैं, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, इसका मान कितना होगा, तो देखो इसका मान q है, तो इसका सिंपल सा बात करते हैं, तो इसका मान कितना होने वाला है k q डिवाइड बाय, और ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, ओके इसका मान कितना हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, यही हो गया आपका पोटेंशियल, नहीं नहीं सॉरी ये नहीं होगा, एक मिनट, इसका पोटेंशियल कितना होगा, एक मिनट रुको, देखो इसके पास दो, यहाँ पे हुआ यहाँ पे पॉइंट पी, तो देखो यहाँ पे दो दो पोर्शन था, एक इधर था और एक इधर था, ठीक है, ए थीटा ए थीटा, तो इधर जो होगा इसका मान कितना होगा dv cos थीटा, ओके इसका मान कितना होगा dv cos थीटा, ठीक है,
इधर थीटा, इधर थीटा, तो इसका जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे कितना होगा, डीवी कॉस थीटा सीधे, तो इसका जो पोटेंशियल सीधे बात करें तो के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना हमारा x, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक मिनट इसका नहीं, तो इंडक्टिव फील्ड बता रहा है हमको, चार्ज लो और यहाँ पे पॉइंट पी पर पॉइंट, ये डिस्टेंस लेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज इसका ये डिस्टेंस है ना, तो सिंपल सा जो पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ऑफ रिंग होगा वो कितना होगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करूट, ओके ये हो गया आपका रिंग। ओके अब यही रिंग के जगह पे डिस्क होता, डिस्क यहाँ पे होता डिस्क होता, तो डिस्क का कितना होता आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डिस्क, देखो डिस्क होता तो कैसे निकालते हैं इसका, डिस्क होता तो मास सब जगह होता, पोटेंशियल ऑफ डिस्क एट एक्सिस, तो देखो यह दूरी आपका एक्स है, यह दूरी आर है, ओके याद कैसे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किसको याद है, सिग्मा बाय टू से नोड वन माइनस कॉस थीटा, इतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान था सर, भारत की कटोरा में से आठ को कटोरा निकाल रहे हैं, खीर बना हुआ है कटोरा में लगा देंगे तो हाँ फिर धो कर रखेंगे। ओके तो सिग्मा बाय 2 सिग्मा नॉट 1 माइनस, अब देखो यहां पे cos थीटा का मान कितना होगा b / h x / x² + r² का रूट, ये होगा आपका। अब देखो यहां से अगर पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल आपका कितना होगा, तो यहां से डिस्टेंस कम, एक डिस्टेंस कम होना चाहिए, एक डिस्टेंस कम होना चाहिए, इसका मान होगा x सिग्मा बाय 2 सिग्मा नॉट x² प्लस आर स्क्वायर का रूट माइनस एक्स, यहाँ से ये डिस्टेंस बस हटा दो, नीचे से ये मैं डिस्टेंस हटा दो तो आपका मान होगा आ जाएगा, तो आपका जो पोटेंशियल होगा ऑफ डिस्क होगा एट पॉइंट पी, उसका मान इतना होगा। ओके तो यहाँ तक आपका पोटेंशियल का जो मैक्सिमम है वो खत्म हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को,